हेलो गाइस, माय नेम इज़ कुलदीप एंड वेलकम टू स्टडी फंडा। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट ने एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया एक मतलब उन्होंने लॉन्च किया है। ये बेसिकली इसका मीन्स है कि जो अभी इंडिया में जो ड्रोन पॉलिसी है, सो उनमें से जो ड्रोन को कहाँ कहाँ और किस किस जगह पर फ्लाई कर सकते हैं, तो इस एयर स्पेस मैप में दे रखा है। सो इस लेक्चर में हम एक बारीकी से एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। और इससे पहले मेरी कल एक वीडियो आई थी, सो आपने उस वीडियो काफ़ी सराहा है, तो उसके लिए धन्यवाद। और इसके अलावा कुछ लोगों ने सजेशन भी दिया है, तो मैं उन सजेशन पर अमल करने की कोशिश करूँगा, उसके लिए धन्यवाद। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये न्यूज़पेपर कटआउट है, इसमें लिखा है गवर्नमेंट लॉन्च एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया। सो एयर स्पेस मैप उसमें लॉन्च किया ताकि इसमें पता चलेगा कि किस जगह पर ड्रोन को हम उड़ा सकते हैं, या वो एरिया वो ड्रोन उड़ाने के लिए सही है या नहीं है। सो उसमें इसलिए सो इस एयर स्पेस में कुछ कैटेगरी बनाएंगे, लाइक रेड जोन हो गया, ग्रीन जोन हो गया या येलो जोन हो गया। सो इन कैटेगरी में पता चल जाएगा कि इस जोन में ड्रोन को हम फ्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो इसका ये मतलब है एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया। सो इसको और इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये ड्रोन होता क्या है, जिसमें जिसको हम UAV बोलते हैं या UASV बोलते हैं। तो दोनों का मतलब ही एक है। सो इसको बोलते हैं इसका मतलब है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको UAV बोलते हैं, या अनमैन्ड एरियल सिस्टम, सो कॉमनली नोन एज ड्रोन, जिसको मतलब एक कॉमन नेम से जाना जाता है, जिसका नाम है, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं। वो एयरक्राफ्ट है जिसमें बिना ह्यूमन पायलट के बिना भी उसको हम फ्लाई कर सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं बिना किसी पायलट के या क्रू के या पैसेंजर के, तो उसी को हम ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है। सो ये जैसा कि ये छोटा सा होता है, जिसमें किसी में चार इसके ये पंख होते हैं, किसी में चार पांच मतलब अलग अलग तरह के ड्रोन होते हैं, तो इस चीज़ से आप उसको डिसाइड कर मतलब देख लेना। सो ये इस तरह का कुछ ड्रोन दिखता है। सो जैसे कि न्यूज़ में मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ये स्पेस मैप ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो एयर स्पेस मैप है उसको लॉन्च किया है, ताकि इसमें जो सिविलियन है, जो मतलब जिनके पास ड्रोन है, वो उनको पता चल जाएगा कि क्या इस एरिया में हम इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो उन एरिया को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो इसमें बताया गया है, और इस मैप को डेवलप किया है किसके साथ, मैप माई इंडिया के साथ, एंड IT सर्विस को है, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक है, बट इसमें ये मैप माई इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये कुछ महीने पहले न्यूज़ में रही थी। ये न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि जो मैप माई इंडिया है वो इसरो के साथ टाई अप करके वो जो गूगल मैप है उसका एक अल्टरनेटिव बना रही, जिसको मतलब हम देसी भाषा में बोलें देसी गूगल। सो जो मैप माई इंडिया है वो इसरो के साथ मिलके वो एक देसी गूगल मैप का देश मतलब जो अपना जो गूगल में जो हम यूज़ करते हैं उसका एक अल्टरनेट बना रही है, जो इंडिया का वर्जन होगा। तो इस चीज़ को याद रखना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसरो के साथ कौन सी कंपनी है जो इंडिया में एक गूगल मैप का एक अल्टरनेट बना रही, तो इस चीज़ को याद रखना वो कौन सी है, वो है मैप माई इंडिया। सो इसमें कंटिन्यू करते हैं। सो ये दो कंपनी मैप माई इंडिया और हैप्पीएस्ट माइंड के साथ इसको एयर मैप जो एयर स्पेस मैप है उसको इसमें लॉन्च किया गया, इसको इसमें बनाया गया, क्रिएट किया है। सो पुट ऑफ द और इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसका एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। सो इस प्लेटफॉर्म पर ही ये एयर स्पेस मैप इसमें अवेलेबल होगा। सो जैसा कि ये डिजिटल स्काई जो साइट है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म थी, उसकी वेबसाइट का एक कटआउट है, तो आपको पता चल जाएगा ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और इसमें ही आगे जब आप स्क्रॉल करोगे तो इस स्क्रॉल में इसमें जो ड्रोन की कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं, एक नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज, मतलब साइज के हिसाब से ड्रोन की कैटेगरी डिवाइड किया है। सो ये कुछ पांच तरह के ड्रोन होते हैं, और कुछ इसमें नैनो मतलब कुछ वो अप टू 250 ग्राम है, 250 ग्राम तक, तो उनको नैनो ड्रोन बोले हैं, और जो माइक्रो हैं उनकी कैटेगरी क्या है, वो मोर देन 250 ग्राम होंगे। सो ऐसे ही सबकी कैटेगरी डिवाइड किया है। और इसमें मैं ये बता देता हूँ, जो नैनो और जो माइक्रो हैं इनके लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ को याद रखना। जो नैनो और माइक्रो जो ड्रोन होते हैं उनके लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो स्मॉल और मीडियम और लार्ज ये तीन
जो ड्रोन होते हैं इसके लिए अगर आपको फ्लाई करना है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी जो DGMA से मिलेंगे, तो इस चीज़ को आप याद रखना। सो ये देख लिया, देन इसके अलावा देखते हैं एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया। सो ये एक तरह का एक मैप बनेगा जिसमें बताएगा कि तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, रेड येलो ग्रीन जोन, वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में ऐसे जोन को डिवाइड ऐसे जोन डिवाइड किए जाएंगे पूरे ऑल ओवर कंट्री। सो जैसे कि तीन जोन बताते हो, तीन में से पहला होता है, पहला है ग्रीन जोन। सो ग्रीन जोन का मतलब ये है कि वहाँ पर एक एयर स्पेस होगा जो जमीन से 400 फीट तक ऊपर होगा, और इसके अलावा इट हैज़ नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज ए रेड और येलो जोन, मतलब जहाँ रेड और येलो नहीं होंगे वहाँ पर ये ग्रीन जोन होगा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये बोला गया है। एंड अप टू द 20 फीट अबव द एरिया लोकेटेड बिटवीन इट, मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि जहाँ कोई ऑपरेशन एयरपोर्ट होगा तो उस एरिया में वहाँ पर जमीन से कितने ऊपर तक उड़ा सकते हैं, 200 फीट तक, ताकि जो वहाँ पर जो प्लेन जो होते हैं एयरपोर्ट के आसपास में उनसे ना टकराए। सो ये उसकी ग्रीन जोन की डेफिनेशन है। इसके अलावा येलो जोन की भी डेफिनेशन इसमें दे रखी है। येलो जोन कौन सा, वहाँ पर जैसे 400 फीट तक ऊपर उड़ा सकते हैं, और इसके अलावा 200 फीट वही यहाँ से 8 से 12 किलोमीटर पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर मतलब जैसे ये जैसे यहाँ पर एक एयरपोर्ट हो गया तो इसके 8 से लेकर 12 किलोमीटर के पेरीमीटर पर दी, मतलब पेरीमीटर क्या बोलते हैं पर दी हिंदी में, तो इतने पेरीमीटर तक ड्रोन को उड़ा सकते हैं, मतलब ये इसका येलो जोन का मतलब है। देन रेड जोन, इसमें तीसरी जो जोन है रेड जोन, तो रेड जोन का मतलब है कि नो ड्रोन जोन एरिया हो जाएगा, मतलब इस जोन में आप ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते। तो इन तीन जोन को याद रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह का मैप देखने को मिलेगा, जैसे ये येलो जोन हो गया, ये रेड जोन हो गया, ये ग्रीन जोन हो गया, तो ऐसे ही मैप में कुछ लोकेशन डिवाइड की जाएंगी। सो जो भी जैसे ये सारे एयरपोर्ट के एरिया वाला या कुछ मिलिट्री एरिया मतलब एरिया है, तो उन्हीं को उन जोनों में डिवाइड किया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये कुछ इस तरह का दिखेगा यही मैप। देन इंडिया में कुछ ड्रोन रूल्स पॉलिसीज भी है जिसको ड्रोन रूल 2020 के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉलिसीज में ये लिखा गया है कि नो रिमोट पायलट लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोड्रोन। माइक्रोड्रोन वो कौन से होते हैं जिसमें माइक्रो और नैनो जी दो कैटेगरी, जैसे मैंने बताई थी पिछली स्लाइड में, इसमें देखिए। सो हाँ, जैसे ये नैनो और माइक्रो, इन दोनों के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसी में यही लिखा हुआ है। सो इन दोनों कैटेगरी के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद की जो भी कैटेगरी है ड्रोन की, उनके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और ये लाइसेंस कहाँ से मिलेंगे, DGMA से थ्रू। इसके अलावा इसका एक एम है जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है वो इसको क्रिएट बनाया, ताकि वहाँ से एयर स्पेस को देखा जा सके, और वहाँ से और बाकी जो ब्रांड बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो भी वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम है वो और ज़्यादा स्मूथ वे में चल सके। तो ये इसका मतलब है। और इसमें और इसका और एक हेल्प ये होगी आगे वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंस हुआ वो काफ़ी कम से कम हो, और वहाँ पे जो भी परमिशन होगी वो सेल्फ जनरेटेड हो, मतलब ऑनलाइन करने की कोशिश की गई है इसमें। तो इस चीज़ को आप याद रखना। देन इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट इसके ये होंगे बिकॉज ड्रोन का जो यूजेज है वो बाकी अदर इंडस्ट्री में, ये बात की जो अदर सेक्टर है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज हो बढ़ता जा रहा है। लाइक एग्रीकल्चर हो गया, जैसे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसे ही ड्रोन का भी यूज़ इसमें और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। जैसे कि ड्रोन से हम एग्रीकल्चर में जो खेत होते हैं उन पर निगरानी रख सकते हैं, सेम ऐसे ही माइनिंग में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सर्वेलेंस हो गया या इमरजेंसी रेस्पॉन्स लाइक जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो कहीं बाढ़ वगैरह जाती है या कोई साइक्लोन आ जाता है तो वहाँ पर हम ड्रोन से देख सकते हैं जहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं पहुँच सकता। सेम ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका ड्रोन का भी यूज़ किया जा सकता है। सेम जियो स्पेशल मैपिंग में, मतलब इस पर अगर जियो स्पेशल मैपिंग में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सेम है डिफेंस में भी इसका यूज़ किया सकता है, लॉ एनफोर्समेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। डिफेंस में लाइक जैसे अभी आपने देखा होगा जैसे कोविड के टाइम में जो पुलिस जो थी वो ड्रोन से मतलब अपना सर्वेलेंस कर रही थी ताकि कोई लोग बाहर ना निकले, सो वो ड्रोन से चेक कर रही थी। तो ऐसे ही इसमें ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा यूज, मतलब हर सेक्टर में ड्रोन का जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ड्रोन पॉलिसीज भी लाई गई थी, और इसी वजह से ये ड्रोन जो एयर स्पेस मैप है वो इसमें लॉन्च किया गया है, ताकि जो सिविलियन है जिनके पास ड्रोन होता है, जो दो कैटेगरी का जो ड्रोन है, ताकि उनके पास जो ड्रोन कैटेगरी है उनको पता चले कि इस जोन में इस ड्रोन को हम उड़ा नहीं सकते। सो ये इसका मतलब। इसके अलावा अभी आपने अगर आप डेली न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा अभी ड्रोन की मदद से ही
ड्रोन की मदद से ही जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू में ही एक एक्सप्लोसिव टारगेट डिवाइस मतलब देखा गया था, मतलब एक घटना घटी थी जिसमें ड्रोन का यूज किया गया था एयरफोर्स स्टेशन में। तो इस चीज़ को भी याद रखना, जैसे हम ऐसे ही मतलब अगर ड्रोन का कुछ बेनिफिट है तो उसके कुछ डीमेरिट भी हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना। इसके अलावा जैसे कि मतलब इस मैंने बताया अभी न्यूज में, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फाइबर सर्जिकल टेरर ग्रुप आर एडॉप्टिंग न्यू टैक, मतलब ये जम्मू वाली न्यूज़ है उसका कटआउट इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा ड्रोन का यूज तेलंगाना जो गवर्नमेंट है वो यूज कर रही है, वो कैसे यूज कर रही है, अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने 16 जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं उस वहाँ पर पायलट टेस्टिंग स्टार्ट किए, जिसमें जो मेडिसिन है वो फ्रॉम द स्काई मतलब ड्रोन की मदद से मेडिसिन को घर तक पहुँचाएगी, मतलब उनको जो मतलब मेडिसिन पहुँचाएगी ड्रोन की मदद से। सो इस चीज़ को याद रखना, ये न्यूज़ बन सकती है, करंट अफेयर में क्वेश्चन के थ्रू बन सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ मेडिसिन थ्रू ए मल्टीपल ड्रोन्स। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये किस गवर्नमेंट ने किया था, ये किया था तेलंगाना गवर्नमेंट ने। सो ऐसे ही सो जैसे इसमें लिखा है द हिंदू का कटआउट है, इसमें लिखा गया मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पायलट एट द विक्रमाबाद एरिया, मतलब विक्रम मतलब ये तेलंगाना का हैदराबाद में ही विक्रमाबाद एरिया वाले हॉस्पिटल में जहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो इस चीज़ को याद। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी, अपना स्टडी फंडा डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।